छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरे प्रदेश में विकास के कार्य जारी हैं, जिससे ग्राम सड़क सुराज योजना के प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ने प्रयास किया जा रहा है। परंतु इस कार्य में उचित व्यवस्था न होने की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल की सरकार काबिज हुई है, इसी के तहत प्रदेश के सभी गाँवों को सड़कों के तहत शहरों से जोड़ा जा रहा है, ताकि गांव में भी शहरों की तरह विकास हो सके। परंतु इस विकास के बीच कई अव्यवस्थाओं की कमी की वजह से कुछ जगहों पर प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि दुर्ग के ग्राम अंडा क्षेत्र में रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, और इसमें कई ऐसे स्थान भी हैं जो बहुत सकरे हैं और जहां हर घंटे लंबा जाम लग जाता है। हमारी न्यूज टीम भी इस रास्ते जगदलपुर जा रही थी, परंतु हमारी टीम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में एक घंटे की देरी हो गई, क्योंकि हम एक घंटे तक इस जगह जाम में फंसे रहे। ऐसे जगहों पर यदि यातायात पुलिस विभाग के जवानों की तैनाती की जाए तो राहगीरों को लंबे जाम में फंसना नहीं पड़ेगा और व्यवस्था सुचारू बन पाएगी। दोस्तों, हम ग्राम अंडा में खड़े हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है हर गांव से शहर को जोड़ने के लिए जो सड़क योजना चालू की गई है, सड़क का निर्माण यहाँ भी देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, और ये जाम हर उस जगह पे लग रहा है जहाँ जहाँ ये सड़क निर्माण हो रहा है। थोड़ी तकलीफें तो होती हैं, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन दिक्कतों का सामना करने के बाद जो सुख मिलेगा, जो आनंद आएगा इस रोड पे चलने का, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉपर व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से कि अगर रोड निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर किसी ऐसे जगहों पर जहाँ पे जाम लग रहा है, ऐसे जगहों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की, ट्रैफिक पुलिस की, यातायात विभाग की तैनाती की जानी चाहिए। ग्रैंड एसी न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।